हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजट पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि 2 से 3 सवाल आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कब संसद में केंद्रीय बजट 2019-20 पेश किया? तो 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में केंद्रीय बजट 2019-20 पेश किया। केंद्रीय बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन स्वतंत्र भारत के इतिहास में कौन से नंबर की महिला बनी है? तो केंद्रीय बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन स्वतंत्र भारत के इतिहास में 2nd नंबर की महिला बनी है। इसके पहले इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट पेश करने वाली अब तक की पहली और एकमात्र महिला कौन थी? तो केंद्रीय बजट पेश करने वाली अब तक की पहली महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। डीजल और पेट्रोल पर प्रति लीटर कितने रुपए का टैक्स लगाया है? तो डीजल और पेट्रोल पर प्रति लीटर 1 रुपए का टैक्स यहाँ पे लगाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अब भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 120 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास अब आधार कार्ड है। 45 लाख तक के घर की खरीद के लिए 31 मार्च 2020 तक उधार लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कितने लाख की अतिरिक्त कटौती होगी? तो 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती होगी। देश में कितने किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है? तो देश में 657 यानी 657 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है। किस वर्ष तक एक ग्रामीण परिवार में बिजली और खाना पकाने की सुविधा होगी? तो 2022 तक एक ग्रामीण परिवार में बिजली और खाना पकाने की सुविधा होगी। विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्टडी इन इंडिया इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है। बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक प्रत्येक घर तक नल द्वारा सुरक्षित पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी? तो जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक घर तक नल द्वारा सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संस्थान की स्थापना की जाएगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किस राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री द्वारा किस सेक्टर के लिए नया टीवी चैनल लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो वित्त मंत्री द्वारा स्टार्टअप सेक्टर के लिए नया टीवी चैनल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से 1 साल में 1 करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उस पर कितने प्रतिशत का TDS लगाया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से 1 साल में 1 करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उस पर 2% का TDS लगाया जाएगा। मोदी सरकार ने बजट 2019 में कितने लाख रुपए का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी? तो 45 लाख रुपए का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट यहाँ पे दी जाएगी। 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को कितने फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा? तो 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। जनधन खाताधारक महिलाओं को कितने रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी? तो जनधन खाताधारक महिलाओं को 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में किसानों के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए कितने नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे? अगले 5 वर्षों में किसानों के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए नारी तो नारायणी योजना की शुरुआत की गई है।
जिनकी आय 2 से 5 करोड़ के बीच है उनको कितने फीसद का सरचार्ज देना होगा? जिनकी आय 2 से 5 करोड़ के बीच है उनको 3% सरचार्ज देना होगा। 5 करोड़ से ऊपर की आय पर कितने का सरचार्ज देना होगा? तो 5 करोड़ से ऊपर की आय पर 7% सरचार्ज देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-20 के बजट में कितने किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-20 के बजट में 300 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। वित्त मंत्री ने बताया कि कितने लाख गांव अब तक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 5.6 लाख गांव अब तक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा 2 अक्टूबर 2019 तक भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। सरकार ने ई वाहन पर लगने वाले 12% टैक्स को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो सरकार ने ई वाहन पर लगने वाले 12% टैक्स को घटाकर 5% कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। अगर ये PDF अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहां ज्वाइन कर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।